नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत है, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। किसान बिल पर विपक्षी आरोपों पर सरकार का करारा जवाब, एक माह पहले बढ़ाए MSP। COVID-19 संक्रमण के चलते राजस्थान के 11 जिले में धारा 144 लागू, एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे 4 से ज्यादा लोग। 11 जिलों में कर्फ्यू के चलते कांग्रेस ने कृषि बिलों पर बदली विरोध की नीति, किया प्रतीकात्मक प्रदर्शन और सौंपे ज्ञापन। विपक्षी आरोपों और किसानों की शंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने रबी फसल का MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार एक माह पहले ही बढ़ा दिया है। इसका ऐलान संसद से ही किया गया ताकि किसान जान लें कि सरकार की मंशा MSP खत्म करने की नहीं है। इससे शायद किसानों का गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि सरकार बार बार ये कहती रही है कि नए कृषि बिल किसानों के मददगार साबित होंगे और विपक्ष किसानों को उकसा रहा है कि MSP खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने रबी की 6 फसलों गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर और सूरजमुखी के लिए नई MSP की दरें जारी कर दी हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। गेहूं पर 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जौ पर 75 रुपये, चना 225 रुपये, मसूर 300 रुपये, सरसों 225 और सनफ्लावर पर 112 रुपए बढ़ाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन में काफी सख्ती बरती जा रही है और अब धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिन जिलों में धारा 144 लगाई गई है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर। CM गहलोत ने एक के बाद एक ट्वीट कर ये जानकारी दी और लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कल प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू हो रही है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। मेरी सभी से अपील है कि इसे फॉलो करें। बल प्रदर्शन के बजाय सरकार चाहती है कि इसे मेंटेन करने में पब्लिक आगे बढ़कर कोऑपरेट करे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ही ये जनहित के लिए किया गया है। एक तरफ राजस्थान के 11 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस जो कृषि बिलों की होली जलाने और जबरदस्त धरने प्रदर्शन के मूड में नजर आ रही थी, वो अपने रणनीति में बदलाव कर रही है। निर्णय उन्होंने लिया है कि विरोध प्रदर्शन तो वो जरूर करेंगे, लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक ढंग से किया जाएगा। मतलब ये कि जहां धारा 144 लागू की गई थी, वहां पर 11 जिलों में कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ किसान बिल की होली जलाई गई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे गए। जिन जिलों में धारा 144 नहीं थी, वहां केंद्रीय कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे गए। खैर, ये तो सरकार और विपक्ष की जंग है जो चलती ही रहेगी, लेकिन इसमें किसान चिल्लाने वाले सच में किसान के कितने हितैषी हैं कहां नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही संसद में पास हुए नए कृषि अध्यादेशों के धरातल पर उतरने के बाद ही असल में ये पता चलेगा कि इससे किसानों को कितना लाभ होगा। भारतीय किसान यूनियन ने एक प्रेस नोट जारी कर 25 सितंबर को देश भर में चक्का जाम करने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में संसद में पारित किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया गया। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों से जुड़े बिलों को किसानों का हक छीनने वाला और व्यापारियों की जेबें भरने वाला बताया है। टिकैत ने कहा कि सरकार अगर अपने बिल वापस नहीं लेती है तो किसान भी अपनी बात पर अडिग हैं, किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 25 तारीख को पूरे देश का किसान इन बिलों के विरोध में सड़क पर उतरेगा। जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर ही रहेगा। इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सौंपा गया है, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।